नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर भारत। 20वीं अखंड भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता जो 2019 में होने वाली है 10 से 15 फरवरी तक चलेगी और इसका स्थान है डेहरी ऑन सोन। उद्घाटन होगा श्री नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है। 10 फरवरी 2 बजे इसका उद्घाटन होगा। आइए क्या कुछ कहे हैं ADG, ठीक सुनते हैं उन्हीं से। आज आप सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है ये सूचित करने के लिए कि अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हर साल विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स इवेंट्स पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए वेरियस स्टेट पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों के लिए आयोजित करती है। तो उसी क्रम में 20वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता, जिसे पॉपुलरली AIPDM के नाम से जाना जाता है, 2019 का आयोजन बिहार द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः ये दिसंबर माह में हो जाती हैं, लेकिन इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा थी और दिसंबर जनवरी महीने में धुंध वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से इसका आयोजन 10 फरवरी से 15 फरवरी में यहाँ पर किया जा रहा है और ये हो रहा है BNP 2 डेयरी के कैंपस में। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इसकी बृहद तैयारी बिहार पुलिस के द्वारा की गई है। इनकी आयोजन समिति बनी, जिसके अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक हैं और उस आयोजन समिति के सचिव, जो सभी एक्टिविटीज़ के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सब करा रहे हैं, वे बिहार सैन्य पुलिस के पुलिस महानिदेशक श्री संजीव कुमार सिंगल। इसके पहले जो 2018 की प्रतियोगिता हुई थी वो NSG ने मानेसर में कराई थी, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बिहार में करा रहे हैं। पिछले वर्ष करीब 738 प्रतिभागियों ने वहाँ भाग लिया था, इस बार हमारी उम्मीद है कि 800 से अधिक प्रतिभागी होंगे और 25 स्टेट्स और CPOs का कंफर्मेशन हम लोग को मिल चुका है और उसमें से 19 टीमों के ट्रेवल प्लान वगैरह सब हम लोगों को मिल चुके हैं। इस आयोजन के लिए इसकी अपनी वेबसाइट भी बनी हुई है, उससे में आप सब लोग जो है और विशेष जानकारियां वहां से भी ले सकते हैं। कुल 16 समितियों का गठन किया गया इसके आयोजन के लिए, जिसमें कई प्रकार की समितियां थीं, रिसेप्शन कमेटी, बड़ा थाना कमेटी, डेकोरेशन कमेटी और ट्रैवल कमेटी, एकोमोडेशन कमेटी आदि आदि। इन सभी के अध्यक्ष वरीय पदाधिकारी IG एवं उससे ऊपर स्तर के रहे हैं और उन्होंने सब इसके लिए जो है बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। इनका रिव्यू समय समय पर पुलिस महानिदेशक द्वारा भी किया जाता रहा और अभी तक की तैयारी से हम लोग सभी बहुत संतुष्ट हैं और पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इसका आयोजन पहले की भांति हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार बिहार में किया जा रहा है। इनके अलावा कुछ दूसरे क्लस्टर्स थे, जैसे वॉलीबॉल क्लस्टर्स, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वो हम लोग पहले यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन शूटिंग का आयोजन पहली बार किया जा रहा है बिहार में। इस प्रतियोगिता में शॉर्ट रेंज में पिस्टल और कार्बाइन की कुल 8 इवेंट्स होंगी और लॉन्ग रेंज में राइफल के 5, इस तरह से कुल 13 इवेंट होंगी जिसमें जो आयोजित की जाएंगी और ये सभी BNP 2 डेहरी के कैंपस में ही की जाएंगी। कुल 13 तरह के पदक, जिसमें 13 × 3 कर लें, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक, ये दिए जाएंगे। 13 ट्रॉफीज होंगी, जिसमें राइफल शूटिंग चैम्पियनशिप, रनर्स अप, थर्ड पोजीशन, रिवॉल्वर पिस्टल शूटिंग चैम्पियनशिप, इस तरह की जैसे जो टीम इवेंट्स की है ट्रॉफीज, और इसके अलावा 2 बेस्ट शॉट रिवॉल्वर पिस्टल और बेस्ट शॉट स्टैंड गन कार्बाइन इंडिविजुअल ट्रॉफी, इंडिविजुअल मेडल्स ये भी होंगे, ये भी दिए जाएंगे। इसके आयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा निधि उपलब्ध कराई गई, जैसे रेंज के जीर्णोद्धार के लिए लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और उसमें इलेक्ट्रॉनिक टारगेट वगैरह सेट करने के लिए करीब 2.12 करोड़, और BNP 2 में आवासन का जीर्णोद्धार, पुनरोद्धार और आने वाले आगंतुकों के लिए बैरक एवं अन्य सुविधाओं के बनाने के लिए 3.94 करोड़, और आयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ के लिए 1.69 करोड़, कुल 7.75 करोड़ का
आवंटन राज्य सरकार द्वारा पुलिस को दिया गया है। इसके दौरान एक्टिविटीज़ में 10 से 15 तक रहेगा। प्रत्येक दिन संध्या समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जो प्रतिभागी अपने अपने राज्यों से संबंधित और हम यहाँ के बिहार की लोक कलाओं और फोक डांसेस वगैरह संध्या है गायन वगैरह ये सब भी आयोजित करेंगे, ताकि वहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति से परिचित हो सकें और हम लोग वहाँ की संस्कृति से दूसरे राज्यों की संस्कृति आदि से परिचित हो सकें, इनका आयोजन किया जाएगा। 14 तारीख को शाम को बड़ा खाना आयोजित किया जाएगा। बड़ा खाना एक्टिविटी बेसिकली ये होती है कि जिसमें सभी जो प्रतिभागी विभिन्न स्टेट्स और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ का खाना अपना स्पेसिफिक वो सभी आकर के रखते हैं, जिसमें पुलिस महानिदेशक से लेकर के सिपाही स्तर के सभी कर्मी एक ही जगह एक ही स्थान पर बैठ कर के भोजन करते हैं। तो ये हमारी जो पुलिस की परंपरा है कि फील्ड में सभी चाहे कितने वरीय हों चाहे कितने भी कनिये हों सब एक समान हैं, उसको जो है प्रदर्शित करता है और उसको जो है आगे बढ़ाता है। इसकी जैसा मैंने बताया कि वेबसाइट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं इसकी, उसमें आपको और भी सूचनाएं मिल जाएंगी। इसका लोगो हम लोग जो है लॉन्च किया है, लोगो का अनावरण भी किया गया है, आप उसमें देख सकते हैं ये हमारा लोगो है। और 10 तारीख को इसके उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया हुआ है वो किया गया, और 15 तारीख को इसका समापन होगा। जैसा कि आपने सुना कि हॉर्स राइडिंग, शूटिंग और भी अन्य तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ और भारत। धन्यवाद।